गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने पढ़ रखा है प्लांट्स के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स की बात करेंगे क्योंकि ह्यूमन बीइंग की हमने बात कर ली है। प्लांट्स का सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, यहां से हम दोनों पढ़ेंगे। पहले तो फूड को कैसे ऑब्टेंड करेंगे, मेक फूड, ये वाला प्रोसेस, फूड को मेकिंग किस वे से करेंगे। फिर बाद में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, दोनों प्रोसेस साथ में चलाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जो मेकिंग फूड होता है, प्लांट जब फूड मेक करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इजी वे में पढ़ना है, बहुत इजी वे में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या करेगा, CO2 यूज लेगा, ये मेन थिंग याद रखना है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि इसको रिलेट कर रहा हूं। याद रखिए, प्लांट्स हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, जो भी हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन इन होती है और CO2 आउट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लांट के और एनिमल्स के, ह्यूमन बीइंग में, वो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस सेम है कि ऑक्सीजन तो इन करना है और CO2 क्या करना है, आउट करना है। ये सिस्टम सब में रेस्पिरेशन में, तो ऐसा गलतफहमी ना रखे कि प्लांट्स में कुछ थोड़ा अलग होता है। प्लांट में अलग कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको रिक्वायर्ड क्या है, CO2। आज बड़े बड़े कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करेंगे, जो कि अक्सर आपको कंफ्यूजन रहते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, देखो मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, प्लांट अपना फूड है वो मेक करेगा, प्रिपेयर करेगा, बनाएगा, क्या करेगा, CO2 यूज लेगा उसमें, एनवायरमेंट से CO2 लेगा, और क्या करेगा, साथ में रूट्स, जो प्लांट की रूट्स है, सोयल से वो क्या लेगा, वॉटर, सोयल से वॉटर लेगा, और क्या करेगा, सनलाइट लेगा, सन की लाइट, इसीलिए फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट यूज करेगा, सनलाइट यूज करेगा, और सनलाइट को यूज प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वाला जो पोर्शन है प्लांट्स की लीव में, वो ग्रीन पिगमेंट होता है, और ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, केमिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, कौन सी, जो सन की लाइट है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है, केमिकल फॉर्म में चेंज करेगा। अब ये जो रिएक्शन होगी उस टाइम, तो फूड बनाएगा, क्या प्रोसेस होगा, यहां पे जो बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज, साथ में बनेगा क्या, ऑक्सीजन, साथ में क्या होगी, ऑक्सीजन, और क्या होगा, H2O वॉटर वेपर, क्या इक्वेशन राइट है, इक्वेशन राइट है ना, ये वॉटर वेपर है। अब देखो यहां पे इसको थोड़ा हम बैलेंस भी कर देते हैं, कार्बन 6 यहां लगाएंगे, सिंपल है, 12 यहां लगाएंगे, यहां 6 और यहां पे भी 6, ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। याद रखना, इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को जो हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या यूज आ रहा है, CO2 यूज आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज आ रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा प्रोसेस रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस था, ठीक है। अब हम वापस रिवर्स प्रोसेस होगा, अब उसको फूड बनाने के लिए प्लांट को तो क्या रिक्वायर्ड था, CO2 रिक्वायर्ड था, प्लांट को CO2 रिक्वायर्ड था, इसलिए उसने क्या बना लिया, फूड, फूड फॉर्म में उसने क्या बनाया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता, साथ में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, इसके बारे में अभी रेस्पिरेशन वाले में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होगा, उसको क्या, ऑक्सीजन इन करनी है और CO2 आउट करनी है, ये वाला प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन इन होगी, CO2 आउट होगी। अब देखो, जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, अब उस ग्लूकोज को भी तो वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को लेगा, बोर्ड एनर्जी लेगा, अभी तो फूड बना है, अभी तो मेकिंग फूड हुआ है, अब उसको उस फूड के अंदर जो एनर्जी है उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अब क्या करेगा, वो जो आया आपके पास C6H12O6 जो बन के तैयार हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज, अब जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है,
उस ऑक्सीजन को ये गेन करेगा। यहां से इस प्रोसेस में तो क्या कर रहा है ऑक्सीजन, क्या कर रहा है आउट कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रही है, याद रखना। CO2 क्या हो रही है, इन हो रही है, ऑक्सीजन आउट हो रही है प्लांट में। ये प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन भी सात साल चलता है, रेस्पिरेशन 24 आवर चलता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, और ये कब चलता है, ये सनलाइट की प्रेजेंट में चलता है। इसका मीन्स ये जो प्रोसेस है वो कौन से कब चलेगा, डे टाइम में। ये प्रोसेस डे टाइम में चलेगा और रेस्पिरेशन है वो ऑल टाइम चलेगा, डे हो चाहे नाइट हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन बींग हो। अब देखो यहां से क्या हुआ, जैसे ही ये जो ग्लूकोज बना, अब उसको कंज्यूम भी तो करना है, उसको एनर्जी भी तो लेनी है, तो ऑल टाइम क्या करेगा, ऑक्सीजन उसके साथ मीट करेगी, किसके साथ, C6H12O6 साथ में ऑक्सीजन, जो कि हम रेस्पिरेशन में यूज ले रहे हैं। जैसे हमारी बात करें तो हमने क्या किया था, हमारे जब रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क कर रहा था तो हम ब्लड को प्योरीफाई, एक्सचेंज ऑफ गैस हमारे लंग्स में हो रहा था, और लंग्स में हो रहा था, और वो ऑक्सीजन कहां जा रही थी, ब्लड में हो रही थी, और ब्लड उसको क्या कर रहा था, प्योर कर रहा था। और ब्लड में ही क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, जो हम ईट करते हैं फिर वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, वैसे इनका ये प्रोसेस है। इनमें क्या होता है, एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, क्यों, क्योंकि ये कोई ना तो मूविंग करते हैं प्लांट, कुछ भी मूव नहीं करते, बस इनका प्रोसेस होता है, ये ब्रेथ इन करते हैं। याद रखना ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, नॉट ए ब्रेथ, ये ब्रेथ नहीं करेंगे, ब्रेथ तो ओनली फॉर नोज की हेल्प से होता है, गिल की हेल्प से होता है। रेस्पिरेशन मीन्स ये ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बींग की, तो हम क्या बात करते हैं, हम ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करते हैं, जबकि हम एनिमल प्लांट के फॉर्म में ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि वो ब्रेथ इन कर रहे हैं ब्रेथ आउट कर रहे हैं, हम उनके फॉर्म में टर्म यूज करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। अब यहां से C6H12O6 जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ फूड में, अब उसको उसको क्या करना है, एनर्जी लेनी यहां से। अब ये जो ऑक्सीजन जो आ रही है रेस्पिरेशन से, उसको ये यूज करेगा, दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे वापस रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। वाटर तो साथ में रहेगा ही रहेगा, है ना, वाटर तो साथ में रहेगा रहेगा, इसलिए वाटर भी एड कर दीजिए, क्योंकि वाटर तो हमारी बॉडी में रहता ही है H2O, और नहीं रहता है तो हम उसको यू ले ही लेते हैं, प्लांट भी ले लेते हैं रूट से। अब देखो यहां से ध्यान रखो, अब वापस क्या उल्टा फॉर्म बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। आप बोलोगे ये इसका रिवर्स कहां है, यहां एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी जो है इनसे ऑब्टेन हो रही है, साथ में जो सनलाइट जो यूज हुई थी इसमें, वो यहां पे एनर्जी का फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है इसके साथ रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो, और साथ में वाटर, और वापस जो है ये फॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है, CO2 H2O, और साथ में रिलीज क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अब एनर्जी की टर्म में बात आ गई, तो एनर्जी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। एनर्जी जो है वो ATP, इसकी यूनिट होती है ATP। हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जो भी एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है, ATP में मेजर करते हैं, जैसे 30 ATP, 2 ATP, 5 ATP, ऐसे। अब ATP क्या है, ATP एनर्जी की यूनिट है जो हम कंज्यूम करते हैं। अब ATP का फुल फॉर्म, ATP देखो, सबसे पहले जब ये एनर्जी फॉर्म नहीं होता तब ये ADP होती है, ADP, और एक होता है ATP। फुल फॉर्म कमेंट में बताओ भाई, जब किसी को पता हो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ADP और ATP एनर्जी सोर्स है, अगर किसी को पता हो कि इनका फुल फॉर्म क्या हो तो लिख के बताओ, जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। नहीं पता, पहले वाले का बता लेता हूं, एडेनोसाइन। इसमें भी फर्स्ट वाले का एडेनोसाइन होगा। अब आगे बताओ, किसी को बताओ, एडेनोसाइन एनोट्रोफाइड, ये क्या लिखा, नहीं, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, वेरी गुड, विराट ने लिखा है, ये होती है डाई। सो तो हो रहा है ना, हाँ, एडेनोसाइन
डाइफॉस्फेट ये पहले फॉर्म होता है जब यहां रहती है एनर्जी इसमें, फिर क्या करती है जब ये रिएक्शन होता है तो यहां क्या होता है एक फॉस्फेट और इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल्स इसके साथ और रिएक्ट कर लेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इसके साथ एक फॉस्फेट रिएक्ट करेगा तो एक एनर्जी सोर्स बनाएगा, यूनिट बनाएगा एटीपी। अब ये तो पता होगा एडेनोसाइन डाई की जगह टी है तो ट्राई हो गया, साथ में क्या बनेगा फॉस्फेट, ये हमारी यूनिट होती है। याद रखना सिंपल एक वन वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ह्यूमन बीइंग या एनिमल में जो एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होती है एटीपी में मेजर किया जाता है। जैसे हम वर्क को जूल में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, वैसे ही एनर्जी जो है उसको हम एटीपी में यूज करेंगे, वहां हम जूल में यूज नहीं करेंगे। एनर्जी की जो हम डेफिनेशन देखते हैं जनरली उसका जो यूनिट देखते हैं वो फिजिक्स में हम क्या देखते हैं जूल, है ना, जबकि हम बॉडी की बात करें तो ये एनर्जी जो है उसको हम एटीपी से मेजर करेंगे। क्लियर है यहां से? और एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर हो जाएगा यहां से? ठीक है, अब देखो वापस देखो एक बार, यहां से हमने रेस्पिरेशन किया, ये प्रोसेस दोनों आपको क्लियर हुए। रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन इन करेगा और CO2 आउट करेगा, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है CO2 इन करेगा और ऑक्सीजन आउट करेगा। ठीक है, ये जो इन और आउट करने का जो सिस्टम है प्लांट में वो कहां होता है स्टोमेटा में, कहां होता है स्टोमेटा, याद रखना ये लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा, जो कि पोर लाइक स्टिक पोर होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर गार्ड सेल होती है, गार्ड से नाम से पता चल रहा है कि आउटर सेल, ठीक है ये होती है, और साथ में क्लोरोप्लास्ट होता है जो इसकी अंदर वाली जो वॉल होती है। अगर आपने देखा हुआ है, अगर स्टोमेटा का डायग्राम है तो आपने देखा होगा ये। ठीक है, अब देखो यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, मूव करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीजें यहां से देख लेते हैं। अब आपको पता है कि ये चीजें हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि दिन के टाइम में क्या हमें प्लांट है वो ऑक्सीजन देते हैं, और रात के टाइम में पेड़ों के पास में ट्रीज के पास में नहीं जाना चाहिए। सुना है ना कि पेड़ों के पास में नहीं जाना चाहिए रात के टाइम में, क्योंकि वो क्या करते हैं वहां पे CO2 क्या करते हैं आउट करते हैं, सुना है? हाँ, तो किसी को पता है ऐसा प्लांट आप रिवर्स प्रोसेस करना लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि प्लांट रात में उल्टा वर्क करते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहली बात तो मुझे आप क्लियर करो कि जो फूड मेकिंग होता है ये जिसको हम डायरेक्ट नाम बोलूंगा, अब मैं डायरेक्ट नाम बोलूंगा, बात कर रहे हैं प्लांट्स के रिगार्डिंग, अब मैं डायरेक्ट नाम बोलूंगा, आप समझ जाना, फोटोसिंथेसिस समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, कौन सा प्रोसेस है, फूड मेकिंग का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट की प्रेजेंट में, क्लियर करो माइंड में, सनलाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें प्लांट है वो अपना फूड है वो प्रिपेयर करता है। समझ में आई यहां तक? सनलाइट की प्रेजेंट में होता है फोटोसिंथेसिस। इस मीन क्या हुआ, सनलाइट की प्रेजेंट है तभी कौन वर्क कर रहा है, क्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंट में ही क्लोरोफिल जो है, इसको और थोड़ा आधार कार्ड इसका देख लो, ये होता है ग्रीन पिगमेंट, जो हमने पढ़ रखा है वो सारा एक बार साथ में ले लेते हैं। ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिन में होता है, कब होता है, डे टाइम में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा डे टाइम में, डे टाइम में क्यों हो रहा है, क्योंकि सनलाइट है, सनलाइट होगा तो ये प्रोसेस होगा, क्योंकि नाम ही फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब सन की लाइट जो है उसको बोलते हैं, लाइट को रिलेटेड होता है वो फोटो, सनलाइट की प्रेजेंट में होता है और क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डन करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो हम दूसरी बात करते हैं रेस्पिरेशन को, इसको रिलेट करा रहे हैं साथ में। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो तो क्या होगा, ना दिन ना रात, ऑल डे ऑल टाइम, ऑल टाइम में होगा। अब यहां जो हम बात करें इसका मैकेनिज्म क्या है, यहां CO2 इन होगा और O2 आउट होगा, जबकि इसका मैकेनिज्म क्या है, O2 इन होगा CO2
आउट करेगा। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, डे टाइम में अगर सन की लाइट बहुत बढ़िया है, अच्छी लाइट है, अगर सन की लाइट डिम है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल कैसे करेंगे, जैसे इसको CO2 इन करनी है और यहां रेस्पिरेशन में ये CO2 आउट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये वाली CO2 ये ले लेगा क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है, और यहां से जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वही ये वाला ऑक्सीजन यहां ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉर्मल टाइम बात करें, सन की लाइट इतनी नहीं आ रही है, तो ये दोनों प्रोसेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन में हो जाएंगे। मतलब प्लांट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, वो अपना सेल्फ का सेल्फ ही कर रहा है, मतलब CO2 ले रहा है, कहां से ले रहा है, उसी रेस्पिरेशन सिस्टम जो उसका वर्क कर रहा है वहां से CO2 ले रहा है, और ऑक्सीजन जब उसको रिक्वायर्ड हो रही है तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से ले रहा है। मतलब फोटोसिंथेसिस से तो वो क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है, वो CO2 ले कहां से रहा है, रेस्पिरेशन में जो यूज हुआ है, जो रिलीज हो रहा है यहां से, और ऑक्सीजन कहां से ले रहा है, जो कहां से फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ले रहा है, कौन किस टाइम में, रेस्पिरेशन में। यहां तक क्लियर हुआ माइंड में? अब देखो क्या होगा, फिर हमें कैसे मिलेगी ऑक्सीजन, फिर हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, अगर सन की लाइट प्रॉपर वे में आती है, सन की लाइट जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, सन की लाइट है वो प्रॉपर वे में अगर आ रही है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस रेस्पिरेशन के कंपेयर में बहुत फास्ट होता है। इट मींस अगर सन की लाइट एकदम वेल एंड डन है, प्रिपेयर ओके आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट उसकी आ रही है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, इससे फास्टर हो जाती है। रेस्पिरेशन बहुत स्लो होता है, ये क्या प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। अब ये फास्ट प्रोसेस है तो देखो क्या होता है, फास्ट प्रोसेस है तो रिलीज यहां ज्यादा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। अब ये फास्ट प्रोसेस हो रहा है, यहां पे CO2 तो थोड़ी सी ही तो निकलेगी, तो CO2 इसको तो फास्ट प्रोसेस होगा, तो CO2 इसको तो ज्यादा चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, यहां से इसको इनफ क्वांटिटी में नहीं मिल पा रही है, मींस रेस्पिरेशन से काम नहीं चल पा रहा है फोटोसिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि यहां जो CO2 है वो इसके लिए इनफ नहीं है, इनफ नहीं है, तो यह क्या करता है कि एटमोस्फियर में जो CO2 प्रेजेंट है, एटमोस्फियर में जो CO2 प्रेजेंट है वो वहां से ऑब्टेंड करेगा फिर। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं जनरली, तो CO2 कौन ले रहा है, CO2 कहां से ले रहा है, प्लांट एटमोस्फियर से ले रहा है, ये बोलते हैं ना, जबकि वो कुछ क्वांटिटी में CO2 कहां से लेगा, जो रेस्पिरेशन से रिलीज हो रहा है उसी के अंदर से वो CO2 वहां से लेगा, वहां से उसको इनफ नहीं रहेगा तो वो कहां जाएगा, एटमोस्फियर से उसको ऑब्टेंड करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो यहां से जब ये ज्यादा बनना स्टार्ट होगा, फोटोसिंथेसिस वर्क है वो ज्यादा होने लगेगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कितना इनफ क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो क्या करेगा, इतना जितना उस ये तो ज्यादा निकल रही है और यहां कम रिक्वायर्ड है, तो बाकी वाली ये क्या करेगा, रिलीज करता है, बाकी वाली ये क्या करता है, एटमोस्फियर में रिलीज कर देता। नाम रखना, मतलब याद रखो कि अगर ज्यादा हो गई या कम हो गई तो वो डिपेंड किस पे करेगा, एटमॉस्फेयर पे। मतलब CO2 उसको ज्यादा रिक्वायर्ड है और उसके पास सेल्फ में कम है, तो वो क्या ऑब्टेंड करेगा, किससे, एटमॉस्फेयर से। इसलिए हम बोलते हैं जनरली, हम क्या बोलते हैं कि CO2 जो है एटमॉस्फेयर से ऑब्टेंड करता है प्लांट, क्यों, क्योंकि ये इनफ नहीं है जो रेस्पिरेशन में हो रही है, और ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, वो रिलीज कर रहा है। अब यहां तो यूज आ रही है, वो यहीं से यूज ले रहा है अपनी, पर इतनी क्वांटिटी में उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन आउट करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डे टाइम में क्या हो रहा है, क्लियर याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर याद रखना। अभी मैं नाइट सेक्शन में भी अपन चलेंगे, अभी डे टाइम में है, डे टाइम है, इसीलिए दोनों प्रोसेस हो रहे हैं साथ में। नाइट में जब हम चलेंगे, नाइट की जब बात करेंगे, तो ये प्रोसेस तो गायब हो जाएगा, सिर्फ ये प्रोसेस ही चलेगा। क्लियर है यहां तक? देखो अब क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीजन एक्सेस हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये रिलीज करेगा। इसीलिए हम जनरली क्या बोलते हैं कि डे टाइम में जो है ऑक्सीजन है वो प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये आपने सबने सुना है। इसीलिए सुना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर फास्ट प्रोसेस है, इसके कंपेयर में बहुत फास्ट प्रोसेस है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेगा तो इसको रिक्वायर्ड कम है रेस्पिरेशन में, तो ये इतना नहीं कंज्यूम कर पाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन को क्या कर देगा, आउट कर देगा। CO2 को इन करना है इसको फोटोसिंथेसिस में,
सीओ टू यहां से मिल रहा है, यहां से उतना नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो एटमोस्फेयर से सीओ टू ऑब्टेंड कर रहा है, ले रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो एनवायरमेंट में सीओ टू ज्यादा प्रेजेंट है उसको कौन कंज्यूम कर लेता है, प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए वेस्टेज है। अगर ज्यादा एक्सेस हो गई सीओ टू तो हमारे लिए फिर तो हार्मफुल हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं प्लांट ग्रो करो, ताकि जब डे टाइम में ये प्रोसेस चले तो हमारे लिए बेनिफिट हो, क्योंकि सीओ टू तो कौन ले लेगा, प्लांट, और रिलीज का एक्सेस ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल है। अब देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं डे टाइम, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक डे टाइम में वो हमारे लिए बेनिफिट है, कौन बेनिफिट है, प्लांट। अब चलते हैं नाइट सेक्स, नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में हम बात करते हैं तो नाइट टाइम में ये भाई साहब तो होंगे नहीं, क्योंकि सन है ही नहीं, सनलाइट नहीं है, तो क्लोरोफिल बैठा बैठा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं है तो ये वर्किंग कैसे स्टार्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम क्या प्रोसेस चलेगा, ये वाला ओनली फॉर रात को जो प्लांट का जो प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीजन इन करना है, सीओ टू उसको आउट करना है। अब ये स्लो प्रोसेस है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए क्या करेगा, अब ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, इसको तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अब ये ऑक्सीजन कहां से लेगा, इसको तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस रात को हो नहीं पा रहा है, तो ये जो O2 है वो कहां से लेगा, फिर एटमोस्फियर से ही लेगा ना, तो ये ऑक्सीजन एटमोस्फियर से लेता है और CO2 उसको आउट करेगा। ये तो प्रोसेस दिन में भी चल रहा था, अब आप बोलोगे ये दिन में चल रहा था रात का अलग डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यो जो यहां से CO2 रिलीज हो रही थी वो तो ये इसमें काम आ गई, तो ये हमारे लिए नुकसान कर ही नहीं रही है। इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो नाइट टाइम में नहीं हो रहा है, तो ये CO2 जो है एक्सेस हो रही है, रिलीज हो रही है, बार 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 आउट हो रही है, और ऑक्सीजन उसको डिमांड हो रही है, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन तो करना ही करना है, जो कि डे टाइम में भी हो रहा था, उसको न्यूट्रल कौन कर रहा था, फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी रीजन है कि नाइट में क्या नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, इस रीजन बिहाफ पे नाइट सेक्शन में जो रेस्पिरेशन तो उसको कंटिन्यू करना है, रेस्पिरेशन कंटिन्यू करना है तो ऑक्सीजन उसको इन करनी है, CO2 उसको रिलीज करनी है, ये रिलीज करनी है, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है फिर भी होती है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या कर रहा है, कोई न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है, इसलिए CO2 एक्सेस हो रही है, ज्यादा एक्सेस हो रही है, तो ये क्या करेगा, CO2 को रिलीज करवा देगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि डे टाइम और नाइट टाइम में क्या डिफरेंस हो रहा है, क्यों ऐसा होता है, सिंपल है, कोई प्लांट अपना मैकेनिज्म रात को चेंज नहीं करता है, ना डे टाइम में चेंज करता है। सिंपल सा एक रीजन आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डे टाइम में होता है और रेस्पिरेशन है वो ऑल टाइम चल रहा है, नाइट सेक्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए क्या होता है, ये तो हो ही रहा है परफॉर्म, पर रात के टाइम इसको कोई न्यूट्रल करने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ CO2 एक्सेस हो गई, ज्यादा हो गई तो रिलीज हो जाएगी। और ये सारा सेक्शन कहां रिलीज होता है, जो हमने बताया था स्टोमेटा, यहां से समझ में क्लियर आया तो मैसेज कमेंट में लिखो, क्लियर आया तो कमेंट में लिख दो कि क्लियर हो गया हमें, मैं वेट कर रहा हूं इस चीज का। अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है तो आप लिखिए, जिसको नहीं हुई है वो भी पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। ओके, अब देखो एक और रीजन में आपसे पूछ रहा हूं, यहां से मैं पूछ रहा हूं आपसे, फिर क्या होता है कि जो हम बात करें या डेजर्ट जोन की, तो डेजर्ट जोन में जो प्लांट है फिर वो कैसे प्रोसेस करेंगे ये सारी चीजें, डेजर्ट जोन में जो है वहां पे ये कैसे क्या वर्क होता है वहां पे, देखो समझ लो, डेजर्ट जोन में आपको पता है क्या है वहां, क्या कमी है वहां पे, पानी की कमी है वहां पे, क्या कमी है, पानी। याद रखना कोई भी प्लांट एक्सेस करेगा तो वो एक्सेस किसके हेल्प से करेगा, लीव्स के हेल्प से, जो स्टोमेटा है वो ओपन क्लोज होता है, बताया हुआ है आपको पहले वाले सेक्शन में, वो ओपन और क्लोज होता है, या उसको लेना होता है तब तो वो ओपन होगा, या उसको एक्सेस करना बाहर आउट करना है वेस्ट तो भी वो ओपन होगा, ठीक है, और अदरवाइज वो क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है, सिंपल है, ये याद रह जाएगा, ये तो सिंपल है। अब क्या होता है डेजर्ट में, क्या होता है डेजर्ट में, एस्टोमेटा डेजर्ट का सीन समझ लो एक बार, डेजर्ट में क्या होता है कि वहां पे वाटर की सप्लाई इतनी नहीं है,
तो वाटर तो उसको रिक्वायर्ड रहता है, प्लांट को वाटर रिक्वायर्ड रहता है। फिर क्या होता है कि डे टाइम में क्या होता है, जब डे टाइम का प्रोसेस होता है तो प्रोसेस तो यही चलेगा जो यहां चल रहा है फोटोसिंथेसिस का। उस टाइम क्या होता है, वहां पे CO2 और O2 का एक्सचेंज तो हो रहा है, पर वाटर भी रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में वाटर भी रिक्वायर्ड है। तो वो क्या करेगा, उसका वहां प्रोसेस उल्टा हो जाता है। वहां क्या होता है, स्टोमेटा ओपन ही नहीं होता, स्टोमेटा डे टाइम में ओपन ही नहीं होता है ना। या डे टाइम में देखो, यहां देखो सनलाइट की रिक्वायर्ड है उसको, कब, डे टाइम में। पर जैसे ही वो ओपन हो जाएगा तो वाटर वेपर जो है, वाटर है वो आउट हो जाएगा, जबकि वाटर तो बहुत कम मिल रहा है वहां के, वहां का प्लांट का सिस्टम बता रहा हूं। वहां क्या हो रहा है, कुछ लिख रहे हैं कोई, सम प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन 24 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल पीपल और बरगद ट्री। हाँ ये बता रहे हैं। अब देखो वहां क्या बता रहता हूँ, ये क्या, ये बात कर रहे हो ना डेजर्ट जोन की ही बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है, यहाँ पे क्लियर कर लेते थोड़ा यहां से। अब देखो जब प्लांट वहां क्या होगी, वहां वाटर की सप्लाई इतनी नहीं है, या कुछ ऐसे प्लांट है जिनको वाटर इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, या मोर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो वहां क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, नींद में भी आपको याद रहनी चाहिए, क्लोरोफिल है यहाँ पे, ठीक है, सन की लाइट में, यहाँ C6H12O6, ये तो बनाना है उसको। एनर्जी नहीं, सॉरी, H2। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस बाद में देखने हैं, जब भी प्रोसेस करेंगे, यहां से सिंपल समझो, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। यहां पे क्या करेगा, जितना भी उसको इनफ क्वांटिटी में वाटर मिल रहा है डेजर्ट में, जितना मिल रहा है उतना वो यूज ले रहा है यहां से। अब यहां से यूज लेके वो क्या बना रहा है, एनर्जी सोर्स बना रहा है अपने लिए, एनर्जी के लिए क्या बना रहा है, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज किसका फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ये बनाएगा, और साथ में रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन। अब क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज जो करना है, ये उसको जो रिलीज करना है, वो रिलीज किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसके लीव में। ये क्या करता है, इस बहुत प्लांट वहां का इंटेलिजेंट है, वो क्या है, उसको पता है कि हमारे पास वाटर तो है नहीं, वाटर तो रिक्वायर है ही नहीं हमारे पास, ऑक्सीजन भी बहुत कम क्वांटिटी में, वाटर भी बहुत कम क्वांटिटी में डेजर्ट में, तो वो स्टोमेटा ऑन ही नहीं करता है, ओपन ही नहीं होता एस्टिमेटा उसका, ठीक है, क्योंकि उसको पता है ओपन होते ही ये वाले भाई साहब वहां से रिलीज हो जाएंगे। वो रिलीज हो जाएंगे तो फिर हमें क्या, अगली जो प्रोसेस होगी उसमें वापस जो है, हो रहा है, चलो ठीक है। अब देखो यहां जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन आउट कर रहा है, और यहां उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये जब रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करता है ना, रेस्पिरेशन सिस्टम जब होता है, रिलीज हो जाएंगे, तो CO2 रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, तो हमें फिर वापस इस वाले टाइम में क्या है, नहीं चाहिए, यहां से उसको यही यूज करना है, ये वाला ही उसको यूज करना है वापस यहां। अब क्या हो रहा है, जब ये अगर इंस्ट्रूमेंटा ओपन हो गया, इंस्ट्रूमेंटा ओपन हो गया, तो उस टाइम क्या होता है, ये वाले रिलीज हो जाएंगे, और ये तो पहले से ही उसके पास प्रेजेंट नहीं है, इतनी गरीबी है वहां पे डेजर्ट में कि ये चीजें तो है नहीं H2O, तो क्या होता है, क्लियर है क्या, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कुछ सर अटक रहा है वीडियो, अभी क्लियर है क्या, देखो अभी इस क्लियर आ रहा है क्या, ओके, हाँ जी। तो देखो अब इस टाइम में वो क्या करेगा, अपना इंस्ट्रूमेंट ओपन ही नहीं करता, उसका क्लोज ही रहता है ना,
तो ये यहां से क्या ले लेगा, इस रेस्पिरेशन से ही क्या कर लेगा, वहां वाले प्लांट की बात कर रहा हूं जो डेजर्ट के जोन में है, डेजर्ट जोन में जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट ओपन ही नहीं करते कब, यहां। अब ये CO2 जो इसको रिक्वायर्ड अंदर ही काम हो जाता है, उसका अंदर ही काम कर लेते हैं, बाहर रिलीज नहीं कर देते। उसको पता है कि वाटर हमें नहीं मिलना है, CO2 हमें नहीं मिलेगी ज्यादा, तो वो रेस्पिरेशन में जो उसको CO2 जो आ रही है रिलीज होता है, ये बाहर ना निकल जाए। फिर क्या करता है, जब प्रोसेस होता है तो ओपन ही नहीं होता उसका माउथ, ऊपर ओपन ही नहीं करता इंस्ट्रूमेंट, ओपन ही नहीं करता, तो क्या होगा, ये जो अंदर ही प्रोसेस है अंदर ही हो जाएगा सारा। CO2 जो यहां से निकल रही है वो इस